पिछला एक्सपेरिमेंट पे हम लोग खाली बोतल लिए थे तो उसमें हवा भरा था और उसको गर्म पानी में रखे थे, तो इसमें जो हवा था उसको ताप मिला, ऊर्जा मिला था, से बाहर निकला था, हम लोग पिछला बार भी किए थे। आज हम लोग ठंडा वाला काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहा है कि हम इसको काट के फ्रिज में रख के इसको बर्फ बना लिए हैं। अब बर्फ बना लिए हैं तो ये देखो, हम इसमें बगो उतना बड़ा बैलू नहीं था, इसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं, इसको हम फुलाएंगे, फुलाने के बाद इसमें गैस रहेगा, मतलब ठंडा करेंगे तब तो ठंडा के ममराएगा तो सब आपस में सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा ना। तो हम पहले तोहनी के जांच करने के लिए इसको का करते हैं, पहले फुला के कहीं हवा लीकेज तो ना कर रहा, हो सकता है कहीं लीकेज करे, तो ये लीकेज कर रहा है, इसमें पचक गया, हम कर लें। हवा लीक कर रहा है, लिख रहा है नहीं ना, तो इनकी बात समझ कि भाई टेप को मार रहा है तो पूरा व्यवस्थित कर रहा है। हाँ, हाँ। आप क्या करें, इसको और खुला करके इसमें हम क्या करेंगे, इसको कस देंगे और धीरे धीरे पचाकेगा, काहे पचेगा, क्योंकि ठंडा होगा, क्या कर रहे हो, क्योंकि ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद उसका जो कण होंगे उसकी गति जो है कामते जाएगा, कामते जाएगा, सब सिकुड़ जाएगा, क्लियर है, इसको ले। लीकेज कर रहा है, तुम लोग लग रहा है लीकेज कर रहा है, अब हम लोग को आराम से इसको आउट कर देते हैं कि 2 मिनट के लिए देखते हैं कि इसका इसमें जो हवा है उसका गति दूजा कामता है कि नहीं कामता है, क्योंकि इतना जल्दी थोड़ी ना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट वेट करेंगे हम। देखिए आज कितना मतलब सिकुड़ते नाम लिख दो, पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा झुक देखो, पुष्पा झुके वाला है, ये देखो ये कहा गया, झुक गया भैया, अभी और निकलेगा, अभी और निकलेगा, पूरा पचक जाएगा। अब तो नहीं विश्वास हो गया ना कि ताप देने से गति जूझा बढ़ता है और दाब देने से गति जूझा घटती है, मतलब ठंडा करने से, क्लियर है।